नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। महिला, नाम सुनते ही कितने सारे स्वरूप आंखों के सामने आ जाते हैं ना, एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का। वैसे तो आज के डेट में कहते हैं कि औरतें जो हैं वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, लेकिन कई औरतें ऐसी भी हैं जिनके सपने तो हैं लेकिन उन्हें पंख नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आज हम आ पहुँचे हैं जीवा महोत्सव में, जहाँ ये महोत्सव उन औरतों को पंख देता है जो अपने सपनों के लिए उड़ान भरना चाहती हैं। तो इस महोत्सव में और बहुत कुछ खास होने वाला है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं इस महोत्सव में। तो चलिए, आपकी एक्साइटमेंट को हम बरकरार रखते हैं और दिखाते हैं आपको इस महोत्सव के कुछ खास झलक। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रधनुष के साथ रंगों का समावेश जिसके व्यक्तित्व में हो, भीतरी खूबसूरती और बाहरी खूबसूरती का मिश्रण जिसके व्यक्तित्व में हो, किसी भी जरूरतमंद के लिए जो हमेशा एक आशा की किरण बनकर निकले, और बुजुर्गों की फीकी सी चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जो ले आए, वो और कोई नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं आज पंजाब के इसलिए एक जाना माना नाम है, उनकी डायरेक्टर हैं, बेटी हैं और एक पत्नी हैं और सभी चीज़ों में अव्वल हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। लेकिन कुछ ऐसे पहलू है जो कि समाज अभी भी आपके बारे में नहीं जानता, और मैं चाहूंगी, कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के द्वारा, इसके माध्यम, इस मंच के माध्यम से हम वो जाने कि आपकी शुरुआत से अगर शुरुआत करें तो कुछ उसके बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा और अनोखा। हम अपने माँ बाप की 6 बेटियाँ, और आपको मालूम है उस समय समाज यही था कि अरे इनकी इतनी बेटियाँ, और सभी मेरे फादर जो थे ब्राह्मण थे तो उनको कहते थे पंडित जी की इतनी बेटियाँ, तो मेरे फादर बहुत गुस्सा करते थे। उनको अपनी बेटियाँ बहुत प्यारी थी और उनकी कोशिश थी कि मैं अपनी बेटियों को एजुकेशन और वैल्यूज दूँ, और उन्होंने वो दी, और सब लोग उनको कहते थे कि आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो सब बेटियों को, उनकी शादी करो। पर माई फादर बस लाइक दैट कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना है, मेरी बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। और सब उस समय कहते थे ये पंडित जी की बेटियाँ हैं। अब हमने सब बेटियों ने ऐसा समय लाया कि सब कहते थे इनके फादर पंडित जी, किरण चोपड़ा ने फादर पंडित जी। बचपन था, बचपन बड़ा नॉर्मल था, और बचपन से मैं सब चीज़ों में, सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, उसके पीछे मेरे फादर का ही था, तो उनकी जो बातें थी बहुत अच्छी थी। यस, मैं छोटे होते से रेडियो स्टेशन में आई थी, बच्चों का प्रोग्राम था, और वहाँ ही मैं 10 साल की थी और मेरे हस्बैंड 12 साल के थे, वही हमारी मुलाकात। मैं बताना चाहूँगी, मैं इस वक्त से आने वाली थी, पर मैम ने बताया कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैम क्या बताती हैं, जो शायद आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी, इस मंच में ही मिलेगी। मेरे जो हस्बैंड थे वो बड़ी रिनाउंड फैमिली से, बड़ी फेमस फैमिली, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली, सेंटर मिनिस्टर्स की फैमिली, और अखबार पंजाब के से, एंड मैं अपने नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उनको अफकोर्स ही वॉज ऑल्सो टैलेंटेड, पर उनको ज़्यादा लिहाज किया जाता था, और मेरे को अपनी काबिलियत के क्वेश्चन पूछने, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए देते तो मुझे दिए जाते थे। तो मेरे हस्बैंड जो बार बार आके आते थे, कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हें अपना क्वेश्चन दे दूँगा, तो मेरा भी बड़ा एटीट्यूड था, मैं देखती भी नहीं थी। फिर मेरे देयर एंड देन ही डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल,
बहुत छोटे थे हम लोग, और एक बार उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई स्लेप्ट। तो ये मेरी जीवन एक फिल्मी स्टोरी भी थी, लाइक फिल्मी स्टोरी। बहुत खूब था जब मैम से मुलाकात हुई तो पता चला कि लोग बोलते हैं समाज में कि भाई हम डॉरी नहीं लेंगे, हम इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कैसे लागू बहुत कम लोग करते हैं। और सच में ये हमारे सामने इतना जाता उदाहरण है मैम का कि इन्होंने अपनी शादी में भी एक रुपये से ही शादी की थी, अपने बेटे की शादी और अभी दो प्रिंस की करने जा रही हूँ, उनकी भी एक रुपये से करें। बहुत अच्छा मैम। और मैम जैसे पंजाब के लिए जाना माना नाम है, तो उसका उसकी शुरुआत उसके पीछे की क्या गाथा थी, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसको आप काम करना ऐसे है कि जो पंजाब केसरी है ये राष्ट्रभगत राष्ट्र के लिए काम करने वाला अखबार है, अखबार के सभी राष्ट्र के लिए काम करते हैं, पर स्पेशली हमारा अखबार एक तो न्यूट्रल अखबार है, सभी पार्टीज को कवर करता है, सभी के लिए लिखता है, राजनीति और सामाजिक कोई भी अच्छाई बुराई हो उसके लिए लिखता है। दूसरी बात जो मेरे ससुर जी और ग्रैंड ससुर जी थे दादा जगत नारायण, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने 16 साल जेल में काटे, और मेरे जो ससुर जी थे वो फ्रीडम फाइटर्स को मैसेज पहुँचाते थे एक एक पन्ने पे लिखकर, और फिर उसके बाद एक पन्ने से दो पन्ने बने, दो पन्ने से चार और चार से बना हुआ, ये हमारे पंजाब देसी का है इतिहास। क्या बात है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपने एक अभियान का नाम सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैडम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर रह चुकी हैं, तो मैम इसके पीछे की थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए क्या क्या रहा है और इसके लिए आपने क्या ऐसे है कि हम सब जानते हैं आप भी सब जो बैठे हो, महिलाओं के लिए बहुत से अवसर होते हैं, पर जो हमारे समय के अवसर हैं आप भी और आपके अवसर में जो चांसेस मिलते हैं लाइफ में बहुत फर्क है। और जब मैं यंग थी, यंग तो मैं अभी भी हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है, तो उस समय डॉरी का बहुत ज़्यादा था कि बहुत लेडीज़ को लड़कियों को तंग किया जाता था डॉरी के लिए, उस समय मैंने जब कसम खाई थी। देर एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं लड़कियों के लिए काम करूँगी, क्योंकि हम छः बहनें थी, छः अलग अलग फैमिलीज में गई थी, हर फैमिली की अपनी तरह के रिचुअल्स होते हैं, अपनी तरह की सोच होती है, तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरत है लड़कियों के लिए काम करने के लिए। तो बोलकर लिखकर मैंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया, जैसे ह्यूमन क्रिटिसाइज के लिए मार दिया जाता था और बेटियों को, तो मैं बहुत स्पीचेस बोलती थी, बहुत लिखती भी थी, और यही नहीं आजकल भी एक चौपाल का प्रोग्राम कर रही हूँ जहाँ नीडी लड़कियाँ हैं जो काम करना चाहती हैं, सम्मान से जीना चाहती हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प देकर उनको अपने पांव पे खड़ा किया जाता है और फिर उनसे वो पैसा वापस लिया जाता है और दूसरी लड़कियों की हेल्प की जाती है। तो बेटियों के लिए बहुत सा काम करती हूँ, और पाँच मेरे बेटियाँ, मेरा बेटी अपनी नहीं है, मेरे तीन बेटे हैं, पर मेरे पांच बेटियां अडॉप्टी हुई, उसमें एक बेटी साइकिल के पंचर लगाने वाले की बेटी है, गांव की बेटी है, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रही, और एक बेटी नर्स बन रही है, नर्स की ट्रेनिंग ले रही है, और एक आर्मी के शहीद की बेटी है, अभी छोटी है, और एक ऑर्फनेज की है, एक साइकिलिंग करती हुई, तीन छोटियाँ अभी 10th को पास कर ले गई हैं। तो बेटियों के लिए बहुत काम करती हूँ, लिखती भी हूँ, और आज इस मंच से आप जैसी महिलाओं को कहती हूँ जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके साथ मैं हूँ और पंजाब केसरी है। आपकी कोई भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो पंजाब केसरी उसको लिखेगा और आपको समाज में आपकी पहचान बनाने में मदद करेगा। दूसरा है कि जो मीडिया है उसमें बड़ी ताकत होती है, तो मीडिया की ताकत को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए मैंने एक समाज में पूरे देश में इंटरनेशनली एक एग्जांपल सेट किया है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ, उनको उनके लिए मैंने नई तरह की एक सोच, नई तरह का मेथड किया है, उसमें नीडी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास,
तीनों तरह के सीनियर सिटीजन के लिए एक क्लब बनाया है, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जिसके 60 से ऊपर लोग मेंबर हैं और उनको हर तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, क्योंकि मैं ओल्ड होम के अगेंस्ट हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा भारत जो श्रीराम और श्रवण का देश है, हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं अपर और मिडिल क्लास के लिए बहुत सी एक्टिविटीज करती हूँ, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस होती है। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए महिलाओं का काम करने का, सीनियर सिटीजन के लिए काम करने का, या आपके बच्चों को, आई हैव ऑल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आपको एक उंगली जरूर पकड़ाऊंगी, चलना आपसे सीखना है ना। तो मेरा जो मोटो है जो सीनियर सिटीजन का है, उनका यही है, आओ चले उनके साथ जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। हर मेला में कुछ ना कुछ होता है पर उनको चांस नहीं मिलता, तो ये चांस देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, जीवा जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको, जो गवर्नर है उनको, और सभी महिलाओं को, कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो अब हमारे साथ जीवा की गवर्नर संगीता जी मौजूद हैं। तो मैम, सबसे पहले इतना अच्छा इवेंट था, इतना कुछ सीखने को मिला, तो सबसे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए कि जीवा महोत्सव क्या है। तो जीवा महोत्सव, हमारे जीवा को आज 2 साल कंप्लीट हुए हैं। हर उसकी एनिवर्सरी पर हम सेलिब्रेट करने के लिए महोत्सव करते हैं। आज हमारा 2रा महोत्सव था, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे जीवास को, जो भी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। ये पूरा प्रोग्राम फॉर द जीवास बाय द जीवास होते हैं। इसमें कोरियोग्राफ भी हमारी जीवा करती हैं, सब कुछ हमारे जीवा मेंबर करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता, और ये उनके सपनों को पूरा करने की एक कोशिश है। This was an event for the women and by the women, and I would always say that women can do everything in life, and there's nothing that a woman cannot achieve. And yes, times are changing, and there are wonderful opportunities for women all along. And I would say that every woman, even if she's a homemaker, she should not feel that she is someone less or anything, because even as a homemaker, every woman is doing something for the society. She's doing something for her family, and it's the family which is the foundation of the society ultimately. So a woman, be her a homemaker or a professional, I think the sky is the limit for her. Thank you so much. तो अब हमारे साथ मौजूद हैं किरण सेठी जी। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस जीवा प्रोग्राम को कितना एंजॉय किया और क्या कुछ आपको अच्छा लगा इसके बारे में। मुझे यह जीवा महोत्सव में आकर बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे एक फीलिंग हुई रिलैक्सेशन की, और मुझे एक फीलिंग हुई कि इतनी स्मार्ट लेडीज एक साथ देखने की, और प्राउड फील हुआ कि जो एक स्टेज मैंने शेयर किया, और जो इतनी लेडीज आ रखी थी, वो अपने हुनर को किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं शुभकामनाएँ देती हूँ अपनी जीवा को कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी लेडीज़ को स्टेज दिया। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग था ना ये महोत्सव, हमें औरतों के कितने सारे रूप देखने को मिले, कितने सारे नए नए चीज़ सीखने को मिले, और वो हौसला भी देखने को मिला जो आज के समय में हर महिलाओं के अंदर होने चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिले। हमने चाय पर चर्चा देखा, साथ ही हमने मंथन भी देखा, उसमें ढेर सारी बातें बताई गई जिसे सुनने के बाद हमें ये लगता है कि जो औरतें सोचती हैं कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूँ, किस तरीके से उसको लेकर उड़ान भरूँ, तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद आप बिल्कुल, आपके जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाएंगे। तो अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही, धन्यवाद।